हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन 7 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज ला सकूं। तो देखिए, हम क्वेश्चन को किस प्रकार से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में होगा क्या, मैं आपको जो आंसर बताऊंगा वो हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, ताकि आपको वो आंसर हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो एम हेमल जो कि एक टीचर है, उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, उसकी क्या बढ़ाई की, तो यहां पर हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे एम हेमल, छोटा सा आंसर है, डायरेक्टली लिखेंगे ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया कि ही कॉल्ड, उन्होंने कहा, ठीक है, फ्रेंच भाषा को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार की सबसे खूबसूरत भाषा, यानी कि उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ठीक है, क्योंकि हमें 30 वर्ड में इसका आंसर देना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा और लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, ही सैड, उन्होंने और भी कुछ कहा, ही सैड That it was the clearest and the most logical language। ठीक है, logical language। आगे उन्होंने क्या कहा, ही सैड, उन्होंने कहा दैट कि इट वॉज द क्लियरेस्ट, यानी कि यह सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक लैंग्वेज भाषा है। तो उन्होंने कहा कि यह सबसे सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो क्वेश्चन था कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा, उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, इसका आंसर मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूं। देखिए क्या है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट पर क्या लगाया गया था, जो स्कूल का सूचना पट था उस पर क्या लगाया गया था। देखिए, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक आदेश, ठीक है, हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया था जिसको बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। ठीक है, जिसको बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। इट सेड दैट का मतलब क्या होगा, इसने कहा कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट, यहां पर टॉट लिखिएगा, मैंने सी लिख दिया टॉट, ओनली जर्मन वुड बी टॉट, यानी कि सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, यानी कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल में। तो इसका आप कह सकते हैं कि बर्लिन से एक आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था, उसमें कहा गया था कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, ठीक है, यानी कि फ्रेंच के शिक्षण को रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच की जो पढ़ाई थी उसको रोकना पड़ेगा, तो यही यहां पर कहा गया था। ठीक है, जो सूचना पट था उस पर यही लिखा गया था कि बर्लिन से एक आदेश आया था कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल में अब केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच के शिक्षण को रोक दिया गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे दूसरे चैप्टर से है, ठीक है। अब दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इन गोल्ड, यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं कि कचरा उनके लिए सोना है, किसके लिए, जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं। देखिए क्यों क्यों उनके लिए सोना है कचरा, देखिए गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि उनके लिए कूड़ा करकट ही जीवन यापन का एकमात्र साधन है, सर्वाइवल जीवन यापन का, ठीक है। तो गार्बेज जो है कूड़ा करकट ही उनके लिए जीवन यापन का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब मूल्यवान, ठीक है। तो दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज, यानी कि वे कूड़ा करकट में कुछ मूल्यवान चीजें खोजते हैं, एंड सेल फॉर ये लिटिल मनी, और उसे कुछ रुपयों के लिए, कुछ पैसों के लिए बेचते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दे पिच दियर टेंट्स, वे अपना टेंट्स वही गाड़ देते हैं, टेंट मतलब जहां वे रहते हैं, ठीक है, टेंट लगाकर। तो वे अपना टेंट्स वही गाड़ देते हैं, वेयर एवर, जहां कहीं भी, दे कैन फाइंड रैग्स, उन्हें कूड़ा करकट मिलता है, यानी कि जो रैग पिकर हैं वे अपना टेंट्स वही गाड़ देते हैं जहां कहीं भी उन्हें रहने के लिए कूड़ा करकट, सॉरी उन्हें कूड़ा करकट मिलता है। सो द ऑथर, इसलिए लेखिका ने राइटली सेज, सही ही कहा है, ठीक ही कहा है, दैट की गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर, यानी कि कचरा बीनने वाले के लिए कचरा कूड़े करकट से कम नहीं, उसको सॉरी कचरा बीनने वाले के लिए कचरा सोने से कम नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन आपका सिंपली था कि जो लेखिका है वो ऐसा क्यों कहती हैं कि कचरा उनके लिए सोना है। तो देखिए गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि उनके लिए कूड़ा करकट ही जीवन यापन का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ये लिटिल मनी, यानी कि वे कचरे में कुछ मूल्यवान चीजें खोजते हैं और थोड़े से पैसे में बेचते हैं। दे पिच दियर टेंट्स वेयर एवर दे कैन फाइंड रैग्स, वे अपने तंबू वहीं गाड़ देते हैं जहां कहीं उन्हें कचरा मिल जाता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड फॉर द रैग पिकर, यानी कि इसलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि कचरा बीनने वाले के लिए कूड़ा करकट सोने से कम नहीं होता, क्योंकि उन्हीं में उन्हें कुछ मूल्यवान चीजें मिल जाती हैं जिनको बेचकर वो अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से, लॉस्ट स्प्रिंग से ही। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि जो साहेब है वो कूड़े के ढेर में क्या खोज रहा है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ है और कहाँ से आया है। तो देखिए लिखेंगे साहेब इज, साहेब इज ये रैग पिकर, इज ये रैग पिकर, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप, गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, ठीक है, गार्बेज डंप्स, ठीक है। आगे देखिए क्या है डंप्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, साहेब इज ए रैग पिकर, साहेब एक कूड़ा उठाने वाला आदमी है, ठीक है, यानी साहेब जो है वो कचरा बीनने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है, सोने का मतलब कुछ मूल्यवान चीजें ढूंढ रहा है उस कचरे में, ताकि उन्हें मिल जाए और वो उसके बदले पैसे उसे मिल सके, ठीक है। गार्बेज डंप्स थोड़ा सा हम और लिखेंगे यहां पर कि प्रेजेंटली, क्योंकि और क्वेश्चन है कि वह कहां है और कहां से आया है, तो प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, ही इज इन दिल्ली, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। तो देखिए प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, यानी कि इसका मतलब फिलहाल वह दिल्ली में है, फिलहाल वह अभी दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि साहेब कचरे में क्या ढूंढ रहा था और वह कहां है और कहां से आया है। तो साहेब एक कचरा बीनने वाला है, वह कचरे में सोना ढूंढ रहा था, सोने का मतलब कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढ रहा था ताकि उसके बदले उसे पैसे मिल सके। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, फिलहाल वो दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है, ठीक है, समझ में आया चौथा क्वेश्चन भी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है,
व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर फेमस क्यों है, इसका मतलब क्या होगा, फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, किस बात के लिए वो प्रसिद्ध है। देखिए, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद जो है कांच बनाने के उद्योग के लिए फेमस है, जो कांच की चूड़ियां होती हैं ये सब फिरोजाबाद में ज्यादातर बनाया जाता है, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली हियर इज एंगेज्ड इज मेकिंग बैंगल्स, यानी कि यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़िया बनाने में लगा हुआ है, यानी कि जो फिरोजाबाद है उसमें हर दूसरा परिवार चूड़िया बनाने में लगा हुआ है। इट इज फेमस फॉर हिज बैंगल्स, यह अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फिरोजाबाद सिटी किस बात के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद शहर चूड़िये बनाने वाले परिवार से आते हैं, यानी कि फिरोजाबाद शहर कांच के चूड़ी बनाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली हियर इज एंगेज्ड इज मेकिंग बैंगल्स, यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ियों बनाने में लगा हुआ है। इट इज फेमस फॉर हिज बैंगल्स, वह चूड़ियों यह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये जो शहर है ठीक है, इसी में रहता है कौन, इसी में मुकेश भी रहता है। उसका क्या आगे देखते हैं, तो देखिए ये हमारा, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि अपने हालात के प्रति मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि आपको पता है कि मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, वहां पर उसका परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता है, कांच की वस्तुएं बनाने का काम करता है, तो आखिर मुकेश कौन है और वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, क्या वह भी चूड़ियां बनाना चाहता है, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपने हालात के प्रति मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, मुकेश कम्स फ्रॉम ये फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से आते हैं, वो चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करते हैं। अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स ही डज नॉट वांट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों के विपरीत वह चूड़ी बनाने में नहीं लगना चाहता, चूड़ी बनाने वाले काम को वह नहीं करना चाहता ठीक है। अनलाइक हिज फैमिली, अपने परिवार के विपरीत, अपने परिवार के सदस्य के विपरीत, ही डज नॉट वांट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग, वह चूड़ियां बनाने वाले काम में नहीं लगना चाहता ठीक है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है ठीक है, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ये याद रखिएगा ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है। आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन हमारे तीसरे चैप्टर से होगा, तो ये देखिए क्वेश्चन हमारा सातवां है जो हमारे तीसरे चैप्टर द राइटर से है। देखिए क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि जो लेखक हैं ठीक है, वो YMCA पूल यानी कि YMCA तरल ताल में कब भर्ती हुए और क्यों, एक ताल है एक पूल है ठीक है, उसमें लेखक जो है कब भर्ती हुए और क्यों। तो देखिए वहां पर होता क्या है, वहां पर आपको स्विमिंग सिखाया जाता है, जो तैरना है ठीक है। तो ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन द YMCA पूल, यानी कि वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया ठीक है, YMCA पूल में वो भर्ती हुए। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यानी कि यहाँ पर आपको तैरना सीखने का अवसर मिलता है, यानी कि इससे तैरना सीखने का अवसर प्रदान किया ठीक है। तो देखिए क्या है, इट ऑफर्ड, इसने प्रदान किया एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, टू लर्न टू स्विम यानी कि तैरना सीखने का, तो इसने तैरने को सीखने का एक अवसर प्रदान किया, किसने, YMCA पूल ठीक है। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको ये 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना कि इन 7 क्वेश्चन में थे कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे, देखते हैं कितने स्टूडेंट पहले से ही क्वेश्चंस पढ़ रखा था। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकूं और आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।